नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भीकनगांव अमनखेड़ी रोड स्थित गवली धर्मशाला में कांग्रेस का कार्यकर्ता व किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम में खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कृषि मंत्री सचिन यादव, खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी अरुण यादव, विधायक झूमा ध्यान सिंह सोलंकी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। माँ वीणा वाली को माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसान कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत में विधायक झूमा ध्यान सिंह सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारी यूपीए की सरकार बनी तो हमारे बड़े भाई अरुण यादव को केंद्र में मंत्री बनाया गया। जब उन्होंने अंतिम गांव से लगातार तहसील तक उन्होंने विकास के काम कराए। इधर कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में आप सभी के आशीर्वाद सहयोग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारी कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वचन किए थे वो सरकार बनने के पूरे किए गए। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार प्रचार कम काम ज्यादा करती है। इधर खरगोन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पुलवामा हमले व देश के जवानों पर राजनीति करे, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। सेना में कोई बड़ी हवेली वाला नहीं मरता, मरता है तो गरीब किसान का बेटा। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ता सम्मेलन में अरुण यादव को भारी बहुमत से जिताने व राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरुण यादव। धन्यवाद साथियों, अरुण यादव, अरुण यादव, भैया रे भैया, हमारे आज के सम्मेलन के मुख्य अतिथि और मेरे हम सब के बड़े भाई मार्गदर्शक भी हैं। लोकसभा में हमारे साथी रहे हैं, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी, हमारे कृषि के मंत्री सचिन यादव जी, लोकप्रिय विधायक भावी झूमा सोलंकी जी, पूर्व विधायक आदरणीय परशुराम डंडीर जी, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बठाड़ के समन्वय प्रसाद मान बठाड़ो, कोई वो नहीं होगा अभी पांच मिनट डालू भाई समय बठाड़ ज्ञान बठाड़ो बटो। इंदौर से आए हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय धवन जी, हमारे खंडवा के, खंडवा से जो आए ना इनका नाम हमने देवानंद रखा हुआ है। ये सज्जन भैया एवरग्रीन है, पिछले 20 सालों से डॉक्टर वर्मा जी को हम ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे चश्मा लगाओ यार, हमारे डॉक्टर वर्मा जी, बहन छाया आदरणीय भगवान सिंह जी, हमारे मार्गदर्शक महाजन साहब, आदरणीय समधी जी, विक्रम सिंह जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज के सभी सम्मानित साथीगण, मंडल सभा के सभी सम्मानित साथीगण, हमारे सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के 12 बजे आप लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन आदरणीय सज्जन भैया और मंत्री जी और हमारी जिले की अध्यक्ष जी, खरगोन में भी एक कार्यक्रम था, उसमें लेट हो गए क्योंकि लोकसभा खरगोन का भी आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। कल हम झंडिया में थे, ऐतिहासिक साथियों ने वहां आकर अपना हम सबका संबल बढ़ाया और आदरणीय सज्जन भैया, यह इलाका हमारा कांग्रेस का इलाका है और आज से नहीं, पिछले 40 सालों से इस इलाके में जब जब भी कांग्रेस का कोई साथी खड़ा हुआ, जीर्णिया और भिकनगांव के साथियों ने संपूर्ण सहयोग हमारे साथियों का किया और कांग्रेस को सदैव यहाँ से जिताकर दिल्ली और भोपाल भेजा। मुझे भी इस इलाके से 3 बार लड़ने का अवसर मेरे साथियों ने दिया। ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र हमारा है। आदरणीय सज्जन भाई, विस्तृत रूप से आपको
तमाम बिंदुओं पर दिल्ली की सरकार में क्या हो रहा है, प्रदेश की सरकार ने क्या किया, प्रदेश की सरकार, आपकी सरकार, और तीन महीने में मारखरा दादा ये पहला इतिहास होगा देश का कि किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के एक घंटे के अंदर इस प्रदेश के 25 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने की बात कही कि हिंदुस्तान में मध्यप्रदेश के अलावा कहीं नहीं हुआ। और हमें गर्व है हमारे नेता पर, उन्होंने कहा, मुझे याद है मंदसौर में जब हम लोग गए थे, सज्जन वर्मा जी थे, झुमा जी थी, सचिन यादव थे, आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि मध्यप्रदेश में सरकार बनाओ, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करके दिखाऊंगा, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 10 घंटे भी उस काम को करने में नहीं लगाया। आज समूचे प्रदेश में एक गुस्सा का माहौल है। आज हमारा किसान, गरीब किसान भाई, आदिवासी भाई, 2 लाख कर्जा ले जो उसके ऊपर था वो समाप्त होने के बाद एक लहर की खुशी, खुशी की लहर पूरे इलाके मध्यप्रदेश में आपको नजर आती है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय राहुल जी ने मुझे 2 अप्रैल को, मैं भी गया था दिल्ली, हमारे घोषणा पत्र का उन्होंने विमोचन किया और वहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस देश में जो गरीब है उसका जेब और हमको भरना है, उसको अमीर बनाना है, और जो गरीब है उसको हम ध्यान से सुन लो, हमारी बात बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार केंद्र में आने के बाद राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में इस हिंदुस्तान की गरीबी हटाओ योजना, न्यूनतम आय योजना, जिसके अंतर्गत हमारे गरीब परिवार के लोगों को हर माह 6,000 रुपया उनके खाते में सीधा जमा करेंगे, 1 साल में 72,000 मिलेगा और 5 साल में 3,60,000 रुपया हमारे गरीब भाई के खाते में जमा होगा। लेकिन वो जो खाता खुलेगा वो केवल भाई तेरा नहीं खुलने वाला है, ध्यान रखना, वो खाता खुलेगा हमारी बहन का जो घर का मुखिया है, जो घर को चलाती है, उसके नाम से खाता खोलेंगे। मुझे मालूम है केवल तेरे नाम से खाता खोल जा तो 1 साल में पूरे पैसे खत्म कर देगा। इसलिए जो हमारी बहन घर को संचालित करती है उसके खाते में 1 साल में 72,000 रुपया डालेंगे और 5 साल में 3,60,000 रुपया सीधे खाते में आएगा। शादी के समय पढ़ाई लिखाई के लिए, बीमारी के लिए, घर बनाने के लिए ये पैसा हमारी बहन खर्च कर सकती है। और कमलनाथ जी ने कह दिया है कि हमारे इस मध्य प्रदेश की बहनों को पहले मकान बनाने का 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब 2.5 लाख रुपया मिलेगा। हमारी वार्ड की बहनें आई थी अभी, वो रेखा है, कहाँ बैठी है रेखा? हाँ ये बैठी, मेरे को मिली थी अभी। एक रीना मिली थी, उसने कहा भैया मकान नहीं बन रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में गरीब लोगों को जिनका बीपीएल एपीएल में नाम नहीं आया है दोबारा सर्वे कराएंगे चुनाव के बाद, और अब 2.5 लाख रुपया मिलेगा, एक मकान बनाने का 2.5 लाख गरीब लोगों को मिलेगा। और क्या हुआ, पहले पेंशन 300 रुपया मिलती थी, उसमें भी हमारा ग्राम पंचायत का सचिव गड़बड़ झाला करता था, पैसे इधर उधर कर देता था, तो कभी 150 रुपया मिलिया, कभी 100 रुपया मिलिया, सही से गलत चीज जी नेहरा लुगड़ा वाले जी, कभी 250 मिलिया, 300 रुपया कभी नहीं मिलिया।
अब कमलनाथ जी ने कहा है कि 250-300 नहीं, 1 अप्रैल 2019 से हर बहन जो पेंशनधारी है 600 रुपया मिलेगा और एक साल के बाद 2020 में 1000 रुपया प्रति माह पेंशन हमारी गरीब माताओं बहनों को देंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय केवल मध्य प्रदेश की सरकार राहुल गांधी की सरकार कर सकती है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी, हमारे क्षेत्र की विधायक आदरणीय जुम्मा सोलंकी जी, आदरणीय महाजन साहब, हमारी बंदाना की कांग्रेस की प्रत्याशी छाया मोरे जी, हमारे यहाँ पर विराजमान आदरणीय महाजन साहब, पूर्व विधायक, हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और विधानसभा के चुनाव में हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने प्राथमिकता के आधार पर उन वचनों को पूरा करने का काम किया। आदरणीय साथियों, हमारी ये जो सरकार है, ये सरकार दो मूल मंत्रों पर आदरणीय साथियों काम कर रही है। हमारी सरकार का पहला मूल मंत्र, पहला सिद्धांत, हमारी ये सरकार प्रचार कम और काम ज्यादा पे विश्वास करने वाली सरकार है। आदरणीय साथियों, काम करने पे विश्वास करने वाली सरकार। और दूसरा, हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है, जो अगले 5 साल तक जिस पे हमारी सरकार चलने वाली है, वो मूल मंत्र है कि हमारी सरकार कथन से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार वचन से चलने वाली सरकार है, वचन से चलने वाली। आदरणीय साथियों, अभी हमारी सरकार को 3 महीने से भी कम समय हुआ और इन 3 महीनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का काम किया। आपने पूर्व में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, कि जब सरकार पहले बनती थी तो पहले 1-1.5 साल तो ये लोग मालाएं पहनने में, स्वागत कराने में और लड्डू पापले खाने में ही एक अपना पूरा साल, 1-1.5 साल निकाल देते। पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री हवाई जहाज को साइकिल की तरह चलाते थे, मंचों पे जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, लेकिन जनता के दुख दर्द कैसे मिटे, जनता की तकलीफ कैसे दूर हो, इस दिशा में कोई प्रयास जो है लंबे समय तक नहीं हो सकता। यह हमारी पहली सरकार है आदरणीय साथियों, जिसने, और हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं आदरणीय कमलनाथ जी, जिन्होंने जो शपथ लेने के मात्र आधे घंटे के अंदर सचिवालय में पहुंच करके, और जो हमने सबसे बड़ा जो वचन हमारे मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं से किया था, 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का वचन जो हमने दिया था, उस वचन को हमने पूरा करने का काम किया। दिनों में हमारा पूरा प्रदेश, जहां जब भी सरकार बनी है कांग्रेस की, निमार से आवाज आई, निमार की सीटें जीत के गई तो प्रदेश की सरकार बनी है, और इसी तरह निमार का सांसद चुन के गया तो निश्चित ही राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं आपकी बहन विधायक के रूप में आप सबके साथ मिलके हमेशा आपका काम करने वाली हूँ, और इस निमार का विचार। खबर समय जगत के लिए भीकन गांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।